कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मृतक बीजेपी नेता मोनू कल्याणी के घर शोक संवेदनाएं प्रकट करने पहुंचे। इस दौरान मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि हत्यारों को छोड़ा नहीं जाएगा, मैं खुद इस मामले में पुलिस से बात करूंगा। देखिए खास रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के करीबी बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की हत्या के बाद प्रशासन ने आरोपी का घर तोड़ दिया। वहीं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मोनू कल्याणी के घर शोक प्रकट करने पहुंचे, जहां उन्होंने मोनू कल्याणी के परिजनों को ढाढ़स बंधाया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मृतक मोनू कल्याणी के परिजनों ने कैलाश विजयवर्गीय के सामने मामले की जांच को लेकर सवाल खड़े किए हैं, जिसे लेकर विजयवर्गीय ने कहा कि पुलिस कमिश्नर से बात कर इस मामले की पूरी जांच की जाएगी। नहीं, उनके अभी पुलिस से मैं बात करूंगा, जो रोज़ रोज़ बयान बदल रहे हैं, तो वास्तविक स्थिति का पता लगना चाहिए। उन्होंने ही मारा है या उनके पीछे कुछ लोग हैं, इसकी भी पुलिस जाँच करे। ये मैंने पुलिस को निर्देश दिए हैं और ये तो बिल्कुल साफ धोखा है। पड़ोसी अगर आके मिल रहे हैं और गोली मार दे, तो एक तरीके से धोखा हुआ। और उस व्यक्ति ने हमारी जो इसकी की मदद 5 दिन पहले मोनू ने की थी, तो ऐसे लोग यदि धोखे से मारे तो ये तो षड्यंत्र है पूरा, और इसमें सजा निश्चित होगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने मोनू कल्याणी के परिजनों की चिंता करते हुए कहा कि मोनू का परिवार मेरा परिवार है, हर तरह से मदद की जाएगी। देखेंगे, जो तो हमारा परिवार है मोनू का परिवार हमारा परिवार है, हम उसकी पूरी चिंता करेंगे। कुल मिलाकर मोनू कल्याणी हत्याकांड को लेकर अभी भी तनाव का माहौल जारी है। कल पुलिस और प्रशासन ने आरोपी के मकान को ध्वस्त कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।